नमस्कार दोस्तों, मैं करने से कुशल, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट करना चाहिए। आप लोग दोस्तों काफी ज्यादा कमेंट किए थे कि सर प्लीज स्कॉर्पियो का लेफ्ट साइड जजमेंट बताइए। तो देख सकते हो दोस्तों, मेरे पीछे स्कॉर्पियो भी खड़ा है और आज स्कॉर्पियो का हम लोग लेफ्ट साइड जजमेंट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोग लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताने वाला है कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट करना है, वो भी आप स्कॉर्पियो में। बहुत सारे वीडियो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया होगा कि स्टीयरिंग से ही लेफ्ट साइड जजमेंट करना चाहिए। तो क्या स्कॉर्पियो से हम लेफ्ट साइड जजमेंट स्टीयरिंग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? काफी दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने डिजायर बनाया, आपने टियागो में बना के दिखाया था, आपने बोलेरो में बना के दिखाया था कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट करना चाहिए, तो क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है स्कॉर्पियो में? ठीक है, स्कॉर्पियो में बहुत ज्यादा आप लोगों को लगता है कि स्कॉर्पियो काफी ज्यादा चौड़ा गाड़ी है। ठीक है, तो चौड़ा गाड़ी में स्कॉर्पियो से या इस जगह से लेफ्ट साइड जजमेंट, लेफ्ट और राइट साइड जजमेंट आप लोग कर पाएंगे कि नहीं, वो चीज आप बताइए अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग को हम अच्छी तरह से बताने वाला है कि कैसे आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सोनू जी, सबसे पहले आप गाड़ी से उतर जाइए और ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है अभी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, एक मिनट पहले हमको उतरने दीजिए। तो देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल अभी लाइन में हमारा गाड़ी खड़ा है। ये जो व्हाइट कलर की जो लाइन दिख रहा है, बिल्कुल हमारा बाएं साइड का जो टायर है बिल्कुल वहाँ पे खड़ा है। तो कैसे आप अच्छी तरह से जजमेंट कर पाइएगा, वो चीज़ आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कार के अंदर जाते हैं, उसके बाद आप लोग सिखाने वाले हैं। सोनू जी, आप ये रहिएगा, ठीक है? तो देख सकते हो दोस्तों, अभी हम सोनू जी को आगे वहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके मदद से हम आप लोग को अच्छी तरह से सिखाने वाला है कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट करना चाहिए। तो आप लोग को लग रहा है कि बोनेट वहाँ तक दिख रहा है भाई और सोनू जी वहाँ पे है, तो क्या हमारा स्टीयरिंग का सेंटर, मतलब हमारा जो लेफ्ट साइड के जो टायर है, क्या बिल्कुल उसी सेंटर पर जाएगा या नहीं जाएगा? अगर इसके हिसाब से हम देखते हैं वहाँ पर, तो उसके हिसाब से हमारा सोनू बिल्कुल सोनू को और भी साइड जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह समझा रहे, ठीक है? तो सोनू जी, आप क्या कीजिए, थोड़ा सा एक एक कदम आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप लोग दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये मेरा स्टीयरिंग का यहाँ पे, यहाँ से हम जजमेंट ले रहे हैं इस जगह पे, ठीक है? और राइट साइड के जजमेंट हम इस जगह से लेंगे। तो इसके सेंटर में सोनू जी हमारा क्या बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जैसे आ रहा है सोनू जी, देख सकते हैं, बस रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, बस बस बस, थोड़ा सा एक कदम, थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ो, हल्का सा, और थोड़ा सा बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे आप लोग क्या समझाना चाहते हैं, मतलब कोई भी गाड़ी रहे, ठीक है, कोई भी गाड़ी रहे, आपको सिर्फ यही चीज़ देखना है कि मतलब बहुत सारा गाड़ी में क्या होता है, वो बर्नेट नहीं दिखाता है। ये हमारा स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो में बर्नेट बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ साफ, और बहुत सारे आप लोग कार में देखेंगे ये वाला सिर्फ आपको दिखाई देता है, डैशबोर्ड के बाद जो भी आप लोग का बोर्नेट है वो चीज़ आप लोगों को नहीं दिखाई देता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको कैसे समझना कि हमारा लेफ्ट साइड जजमेंट किस जगह पे, हमारा लेफ्ट साइड का जो टायर है किस जगह पे है? तो मतलब आप गाड़ी से देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, तो रोड दिखाई दे रहा है, तो रोड आपका किस जगह पर दिखाई दे रहा है? तो अभी देख सकते हैं सोनू जी का पाँव वहाँ पे है, सोनू जी का पाँव दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ हमारे बर्नेट से दिख रहे हैं, तो बिल्कुल पाँव जो है हल्का सा पीछे हो जाए सोनू, हल्का सा, बस हल्का सा, और हाँ ठीक है, ठीक है। तो जिस जगह पे दिखाई दिया उसी जगह पे आपको मानना कि यहाँ तो हम देख पा रहे हैं भाई, तो ये वाला जो पोजीशन है बिल्कुल हमारा टायर लेफ्ट साइड के जो टायर है बिल्कुल हमारा उस जगह पे जाएगा। देखिए इस सेंटर से दिखाई दे रहा है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर जाएगा वहाँ पे, ठीक है? अब जैसे सोनू जी थोड़ा थोड़ा धीरे दूर हो जाएंगे, मतलब दूर की ओर जाएंगे, तो क्या होगा, आप लोग का स्टीयरिंग यहाँ से जो दिखाई दे रहा है वो धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, धीरे धीरे यहाँ से दिखाई देगा, फिर यहाँ से दिखाई देगा, फिर यहाँ से दिखाई देगा। तो एक बार हम एग्जाम्पल दिखा रहा है, सोनू जी थोड़ा सा धीरे धीरे पीछे हो जाइए, तो देखिए अभी आप लोग इस जगह पर दिखा रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, अब धीरे धीरे देखिए इस जगह से आप लोग रिफरेंस पॉइंट लेकर देख रहे, इस जगह से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सोनू जी स्पीड चलिए, और थोड़ा से सोनू जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल टायर हमारा उसी सेंटर पे, ठीक है? तो देखिए अब इस जगह से दिखाई दे रहा है, अब इस जगह से हम रिफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे हम, ठीक है, इस जगह से लेंगे, बस हो गया सोनू जी, वापस आइए, अब उसी जगह पे आ जाइए जल्दी से, अब उसके बाद एकदम धीरे धीरे आइएगा। तो आप लोग काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि सर जो आपने बताते हैं, लेकिन जब आप कार के सामने जाते हैं तो बिल्कुल लगता है कि इतना जगह ले लिया हमारा गाड़ी, इतना जगह हमारा गाड़ी ले लिया, ठीक है? तो वो चीज़ को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, वो चीज़ समझाने वाले फिर से हम। तो सोनू जी आप बिल्कुल धीरे धीरे आइए, जैसे आप एक चीज़ बताते रहे, रुकिए एक मिनट सोनू जी, ठीक है? जैसे सोनू जी धीरे धीरे आएंगे, मतलब गाड़ी का जैसे ही नज़दीक कोई भी सामान,
मतलब गाड़ी का जैसे ही नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, हो सकता है आगे आपका गाड़ी होगा, कोई भी कार वगैरह खड़ा होगा, तो जैसे वो धीरे धीरे सामने आएगा वैसे वैसे ये जो रेफरेंस पॉइंट है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, कितना तक बढ़ता जाएगा वो चीज देखने वाले हैं। सोनू जी एक एक कदम आप बढ़िए धीरे धीरे, देखिए इस जगह पे है अभी रोड, रोड जो है बिल्कुल लास्ट दिखाई दे रहा है, अब उस जगह से जितना सामने आएंगे मतलब देख सकते हैं अभी रोड का, रोड से कितना दूरी पे है सोनू जी देख सकते हैं, अभी लगभग एक एक टेम्पू जो है बिल्कुल खड़ा हो सकता है उतना दूरी पे है, मतलब कितना 5 फीट होगा दूरी, 5 फीट दूरी पे है, 5 फीट दूरी पे आप उतना जजमेंट, जिसे रोड का 5 फीट दूरी है उस जगह पे आप जजमेंट लगा सकते हैं कि हमारा गाड़ी के जो लेफ्ट साइड जजमेंट टायर है वो अभी उस जगह पे है। लेकिन जैसे वो सामान धीरे धीरे सामने आएगा, आपका गाड़ी का सामने आएगा, वैसे ऐसे आपका जो रेफरेंस पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है वो बढ़ता जाएगा। तो जिसे आप लोग देखे होंगे जब हम कार चलाते हैं रोड पे तो वहाँ देखते हैं कि हमारे आगे स्कॉर्पियो है या कोई भी गाड़ी है तो लगता है कि भाई बिल्कुल सेंटर पे है, क्योंकि हम लोग उतना दूरी पे चलाते हैं गाड़ी, ठीक है। लेकिन जैसे बहुत सामने हो जाता है ट्रैफिक में, आप लोग देखे होंगे ट्रैफिक टू ट्रैफिक में, तो जैसे सामने हो जाता है तो वो आप उस वक्त आपको लगता है यार जो करने से बता रहे स्टेयरिंग का लेफ्ट साइड एडजस्टमेंट और राइट साइड एडजस्टमेंट बिल्कुल हो ही नहीं रहा एप्लीकेबल यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे कार आ गया और लेफ्ट साइड उसका बम्प, आगे का जो कोई भी गाड़ी है तो उसका बम्पर बिल्कुल इस जगह पे दिखाई दे रहा है। तो उसी चीज़ को आज आपको समझाने के लिए हम सोनू जी को वहाँ पे खड़ा किए हैं और सोनू जी यहाँ पे आप धीरे धीरे सामने आएंगे। सोनू जी धीरे धीरे बिल्कुल आप सामने आइए, जैसे ही सोनू जी धीरे धीरे सामने आएंगे आ जाइए, धीरे धीरे आइए, आइए धीरे धीरे आइए, आ जाओ धीरे धीरे आ जाओ। लग रहा फोन कनेक्शन कट गया है जिसकी आवाज़ नहीं आ रहा, हाँ चलो धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे देखिए। अब जैसे ही धीरे धीरे आएगा आपको लगेगा कि इस जगह से हमारा बिल्कुल बाहर निकल रहा है, बिल्कुल आ जाइए गाड़ी पर टच हो जाइए। देखिए अब ये वाला जो पॉइंट है अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि हमारा बंदा यहाँ पे आ गया बिल्कुल कार के सामने, ठीक है, बिल्कुल टच हो गया, हिट हो गया, ठीक है। अब आप सोचिए यहाँ पे लेफ्ट साइड जजमेंट हमारा करने से बताए थे वो गलत हो गया, गलत नहीं है, आपका समझने का तरीका है, ठीक है। अब जैसे सामने आ गया ना भाई वो चीज़ आपका धीरे धीरे दूर चला जाएगा, देखिए इस जगह पे चला जाएगा, इस जगह पे। अब जब भी कोई भी कार आपका सामने आ जाएगा तो आप इस जगह से रेफरेंस पॉइंट लीजिएगा, बल्कि बिल्कुल देख सकते ये जो मूर्ति है और ये वाला वाइपर का जगह आप मान सकते हैं, ठीक है, इस सेंटर पर आप देख सकते हैं। तो फिर से अगर धीरे धीरे दूरी होंगे सोनू जी तो फिर से आप लोगों को बिल्कुल यहीं पे नजर आएगा। तो अब सोनू जी आप कार के अंदर बैठिए। तो दोस्तों सोनू जी को हम वहाँ पे इसलिए खड़ा किए थे जिससे कि आप लोगों को समझाने सके कि किस तरह से आपको लेफ्ट साइड का जजमेंट प्रॉपर तरीका से लेना है, मतलब जब कोई भी गाड़ी धीरे धीरे नजदीक आ जाएगा तो धीरे धीरे आपका जजमेंट जो है बिल्कुल इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपका रोड और गाड़ी का बम्पर या गाड़ी का बर्नेट, ठीक है, जैसे आपको जहाँ पे खत्म होता है मतलब वहाँ पे रोड मिल रहा है और यहाँ पे गाड़ी का बम्पर मिल रहा है, तो जहाँ पे रोड दिखाई दे रहा है उसी जगह पे आपका इस जगह से देखिएगा तो बिल्कुल आपका टायर उसी जगह पे है, एकदम 100% कोई भी इस चीज़ को गलत नहीं प्रूव कर सकता है। तो चलिए अब हम गाड़ी चला के दिखाते हैं कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट लेना चाहिए। तो सोनू जी थैंक यू, आपने बहुत हेल्प किया हमारा, पसीना निकल गया कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम गाड़ी चला के दिखाने वाले हैं कि किस तरह से लेफ्ट साइड जजमेंट आपको लेना है। तो यहाँ से गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम ये वाला रेफरेंस पॉइंट मान के चले तो देखिए हमारा बिल्कुल व्हाइट लैंडिंग पे गाड़ी चलेगा, चल रहा है व्हाइट लैंड पे, सोनू जी बता रहे होंगे, ठीक है सोनू जी चल रहा है 2-3 इंच, हाँ वो तो उतना थोड़ा होता है, ठीक है ना, ठीक है हो रहा है। अब चलिए थोड़ा सा गाड़ी को स्पीड करते हैं यहाँ से और थोड़ा सा हम इस साइड वाला जो लैंडिंग है ना वो उसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हाईवे आ रहा पीछे देख सकते हैं, इसको थोड़ा जाने देते हैं अदरवाइज ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखना तुम यहाँ पे, ठीक है, देखो अब आ रहा है लाइन पे चल रहा है ना। अब हम बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर आपने तो बिल्कुल टायर में आपका जजमेंट बताया है, तो भाई ये आपका जजमेंट इससे इस जजमेंट से आप आसानी होगा गाड़ी चलाने में, इसलिए अगर आपको लगता है कि हमको ओआरवे मिरर बचाना है तो आप हल्का से इस साइड पे चलाइए, मतलब इधर रेफरेंस पॉइंट लेके चलाइए। अब देखिए सोनू जी जो लाइनिंग है हल्का सा बाहर जा रहा होगा, जा रहा है ना सोनू जी, बाहर जा रहा है लाइनिंग, गाड़ी हमारे बीच में चल रहा है ना। चलिए आपको वहाँ पे डिवाइडर है, उस डिवाइडर पे आपको टच करके दिखाने वाले हैं हम। आप कोई भी डिवाइडर के सामने आपको गाड़ी पार्किंग करना है तो कैसे कीजिएगा, कैसे लेफ्ट साइड जजमेंट लीजिएगा यहाँ पे दिखाते हैं एक बार हम। देखिए रेफरेंस पॉइंट लिए हम, ठीक है, आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है, जमीन देखना है मतलब रोड, उसको धीरे धीरे हल्का से इधर ही लेना है, क्यों ज़्यादा लीजिएगा टच हो जाएगा। देखिए हमारा गाड़ी लगभग इतना थोड़ा सा गैप होगा, इतना थोड़ा सा गैप इधर देखे कैमरा में, गैप है ना,
उतना थोड़ा गैप है कि नहीं? हाँ। क्योंकि देख डिफरेंस पॉइंट हमारा उस जगह पे है और हल्का सा हम जगह छोड़ दिया क्योंकि हमारा मतलब टायर वगैरह स्क्रैच ना हो जाए उस डिवाइडर से, समझ गया? ठीक है तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।